दोस्तों हरिता होटल एपी टूरिज्म का ऑफिस जिसमें है, जहाँ से बस का टूर होता है अराकू वैली और लोकल साइट सीन वाइजैक, ये होटल है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसी में बुकिंग करा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बस का बुकिंग यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो भी वहाँ से आप अप्पू घर जंक्शन बोल के यहाँ पर आ सकते हैं। बस देखिए बाहर लगा हुआ है टूरिस्ट वाला, यहीं से जो भी बस खुलेगा टूरिस्ट का यहीं से खुलेगा। लोकल साइट सीन हो या अराकू वैली आपको जाना हो, यहाँ से आपको बस मिलेगा। बुकिंग तो आप रेलवे स्टेशन से भी कर सकते हैं। कैसे करना है बुकिंग मैंने विशाखापट्टनम टूर वाले लिस्ट में दे दिया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर लें। अराकू वैली का जो टूर बुक करते हैं तो उसमें हम लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का ब्रेकफास्ट और शाम का बल्कि हल्का स्नैक्स, वो सारा कुछ मिल जाता है। तो ये देखिए इस तरह का इसमें रेस्टोरेंट है। ये हमने अराकू वैली जो टूर बुक किया था उसमें हमें जो नाश्ता वगैरह मिला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हरिता होटल में ही आपको मिलेगा। इसको यात्री निवास के नाम से भी जानते हैं। अप्पू घर जंक्शन बोलने से आपको कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे उतार देगा या फिर कोई भी बस वाला आपको यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नाश्ता पानी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अराकू वैली जाने के लिए जब हम निकले थे तो उस टाइम यहाँ पर इस तरह से नाश्ता सुबह का दिया गया था। ये देखिए APDTC का यहाँ पे ऑफिस है, ये मेन ऑफिस उसका है, यानी कि रुकने के लिए भी उसने यही बनाया है। अब हम लोग का जैसे कि प्लानिंग था अगला दिन जाने के लिए लोकल साइट सीन, तो हम पहुँचे थे तो देखिए बहुत सारे पैसेंजर पहुँचे हुए हैं। ये मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ। जो भी बस स्टार्ट होगा इसी बिल्डिंग से स्टार्ट होगा और आपको कहीं भी जाना नहीं है, सभी पैसेंजर यहीं रुकते हैं। अगर और आपने टैक्सी बुक करना है तो टैक्सी भी यहीं से बुक हो जाएगा। टैक्सी का देखिए प्राइस मैंने यहाँ पर दे दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी, इसमें आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। टैक्सी बुक करके प्राइवेट से भी आप चाहें तो घूम सकते हैं, चार लोग अगर हैं तो, या मिनिमम तीन, या फिर दो भी हैं तो चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं। जिन्होंने बुक किया है अभी बस, तो बस भी लगा हुआ, टैक्सी बुक है तो टैक्सी भी यहाँ पर लगा हुआ है। जो भी है यहीं से खुलेगा। टाइमिंग सबका अलग अलग है, सब टाइमिंग वगैरह आपको बता दिया जाएगा। वाइजैक यानी कि लोकल साइट सीन जो है वो 9 बजे से चालू होता है, 9 से 6, और अराकू वैली अगर आप जाते हैं तो सुबह 7 बजे से रात का 9 बजे तक का टूर होता है। ये एपी टूरिज्म का होटल है और जिस दिन आप आ रहे हैं कोशिश कीजिए उसका अगला दिन का बुकिंग लेने के लिए रेलवे स्टेशन से ले लीजिए या फिर आके यहाँ से ले लीजिए। होटल को बुक करना चाहते हैं तो होटल ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। हरिता होटल आप लिखेंगे, जो मैंने आपको स्पेलिंग दिखलाया था इसके बोर्ड पर आप देख लीजिएगा, या APDTC का ऑफिस तो मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह का ये देखिए लिखा हुआ, और इसी के बगल में पीछे जहाँ पे ये मैंने दिखाया जो आपको, इसके ठीक सामने वहाँ पे लुम्बिनी पार्क है, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी आप जा सकते हैं। 10 रुपये टिकट है, बिना टिकट का भी आप जा सकते हैं। टूरिस्ट बस दोस्तों लंच के लिए फिर यहीं पर आएगा। और ये देखिए एपी टूरिज़म जो होटल मैंने आपको पहले दिखाया था, इसी होटल में आपको लंच करने को मिलेगा, यहीं से बस निकलता है सारा। तो इसको आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और या फिर यहाँ पहुँच के बुक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी इसमें भीड़ नहीं रहता है।